साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण की संभावना को मद्देनजर रखते हुए खेतों में गेहूं की फसल के अवशेष जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। किसानों ने खेतों में अगर फसल अवशेष जलाए तो उनके खिलाफ कानूनन कार्यवाही की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल के उपनिदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार खेतों में गेहूं की फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध है। जिले में फसल अवशेष जलाने के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जा रही है, सैटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई किसान फसल अवशेष जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिएगा, मेरे किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे कि माननीय न्यायालय द्वारा ये दिशा निर्देश जारी की है कि वे फसल अवशेष के में आग लगाना कानूनन प्रतिबंध है, तो इसलिए किसान भाई इसके अपनी फसलों के जो अवशेष हैं इनका चारे के रूप में उपयोग करने के लिए इसकी तूड़ी बनवाएं या इसको अपने मिट्टी के अंदर है ना जोत के इसके मिट्टी में मिलाएं ताकि फसल जमीन की उर्वरा शक्ति का बढ़ोतरी हो सके। और अगर कोई किसान भाई इसके तरीके से जो कानून की अवहेलना करते हुए फसल अवशेष प्रबंधन में आग लगाते हुए पाया गया तो उसके लिए सैटेलाइट द्वारा निगरानी की जा रही है और जैसे ही अगर वो पॉइंट उसके अंदर हाईलाइट होगा तो उसको कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो फसल अवशेष चलते हैं तो इनसे क्या पॉल्यूशन प्रदूषण? देखिएगा, इसके अंदर जान माल की हानि हो सकती है, प्रदूषण के ऊपर भी इसके ऊपर व्यापक असर पड़ता है, साथ के साथ मतलब किसी के मतलब वित्तीय नुकसान हो सकता है। पड़ोस में फसल अगर खड़ी है तो उसके अंदर भी तनगारी से आग लग सकती है, धुएं से मतलब राग में कोई जाता है तो उसका एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो इस प्रकार से इसके काफ़ी सारे नुकसान ही नुकसान है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरा किसान भाइयों से एक बार फिर जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यही अनुरोध है कि वे फसल के अवशेष का प्रबंधन करें और इसमें सभी समाज के एक अच्छे नागरिक होने के नाते इसके अंदर सहयोग करें। गांव छायसा के किसानों ने कहा कि किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाने चाहिए। फसल अवशेष जलाने से भारी मात्रा में धुआं निकलता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। भूमि में मौजूद कीट मर जाते हैं और हमारी भूमि बंजर हो जाती है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाई फसल अवशेष न जलाएं, फसल अवशेषों से खाद बनाए ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए और फसल की पैदावार में बढ़ोतरी हो सके। नहीं जी, जलाना नहीं है बिल्कुल, इसमें कई खतरा पैदा है। क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी होती है, हमने अपने खेत में आँच लगा दी और आँच काबू से बाहर हो जाती है तो फिर रुक नहीं पाती है, और आग किसी के में जा लगी तो क्या बने, वो फिर नहीं रुके, ये नुकसान तो ये हो जाता है। दूसरा ये होता है कितनों जीव जंतु फूकता है, उसके अन्न भी बहुत रह जाता है, वो भी फूकता ही। तो इसलिए यही भलाई है कि फूकना ना चाहिए, और मुसीबत तो बहुत हो, हमें हेरो लिकड़े ना कटे ना पटे ना क्या कर। अनुरोध करता हूँ भाई, इस फसल को ना जलाएं, अनुरोध को ना जलाएं जी, यही आपकी भलाई है इसी में जी। हाँ जी, अगर जलाते हैं तो क्या नुकसान होता है? जलाने से नुकसान तो वैसे देखो जाए जी, वह प्रदूषण ज़्यादा कर खतरा हो जाता है, प्रदूषण से ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, प्रदूषण फैलता है, अन्न भी जलता है, अन्न देवता भी जलता है, कीड़े मकोड़े भी जलते हैं आग में। तो कहने मतलब ज़्यादातर पशु क्या नाम प्रदूषण का ज़्यादा होता है। दूसरे कि उसमें भी लगता है।